नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुशवाहा फिर से आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में मैं आपको धर्म करम मूवी का सांग सिखाने वाला हूँ। सांग का नाम है एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। इस सांग को गाया है मुकेश कुमार जी ने। तो मित्रों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आप लोग मेरे नए नए अपलोडेड वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएँ। और दोस्तों, एक बात और बता दें आपको, जिन भाइयों को ऑनलाइन कीबोर्ड पियानो सीखना हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा कांटेक्ट नंबर वीडियो पे शो हो रहा है। और मेरे चैनल पे अपलोडेड किसी भी सांग का, यदि किसी भाई को वेस्टर्न नोटेशन चाहिए हो तो 150 रुपये प्रति सांग पे करके नोटेशन प्राप्त कर सकता है, और अपने फेवरेट सांग का ट्यूटोरियल वीडियो भी मुझसे रेडी करवा सकता है। उसके लिए आपको कुछ चार्जेस देने होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सांग को स्टार्ट करते हैं। सांग का स्केल है यफ शार्प मेजर, जिसका कार्ड ये रहा। तो प्रीलियुड का पहला म्यूजिक पार्ट सीखते हैं, जो कि स्ट्रिंग से है। पहले मैं टाइमिंग में प्ले कर रहा हूँ, बाद में स्लोली बताता हूँ, देखिएगा। कुछ इस प्रकार आपको प्ले करना है। चलिए अब स्लोली देखिएगा। पहले 7 टाइम यानी कि 7 बार यहाँ पे बी ए शार्प प्ले करना है, देखिए कैसे। इसके बाद 7 बार ही आपको बी ए शार्प थोड़ा फास्ट प्ले करना है, कैसे। हालांकि और फास्ट प्ले करना है, 7 टाइम प्ले करना है थोड़ा फास्ट। इसके बाद अगला पार्ट देखिए। फिर इसके आगे नेक्स्ट अगला तो इतना था स्ट्रिंग का म्यूजिक पार्ट। इसके बाद गिटार का म्यूजिक पार्ट है, देखिएगा कैसे प्ले करना है आपको। कुछ इस प्रकार प्ले करना है। तो चलिए पार्ट बाय पार्ट वन फिंगर से सीखिएगा। सबसे पहले ए शार्प सी शार्प को 4 बार प्ले करना है, फिर बी डी शार्प को 2 बार, इसके बाद ए शार्प और सी शार्प को 6 बार प्ले करना है, बी डी शार्प को 2 बार, फिर इसी पार्ट को आपको 2 बार और प्ले कर देना है, 6 बार और 2 बार। इसके बाद 2 बार ए शार्प सी शार्प। इसके बाद अकॉर्डियन का म्यूजिक पार्ट है, देखिएगा अकॉर्डिंग। दो बार प्ले करना है, वन फिंगर से देखिए, यहां पे टच लगाना है। तो मित्रों, इतना था प्रील्यूड। तो चलिए स्थाई के बोल को सीखते हैं। अकॉर्डिंग के वॉइस में ही सीख लेते हैं। लाइन है एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। 2 बार ये लाइन प्ले करनी है, एक बार मैं बता रहा हूं, देखिएगा। Thank you.
आपको और रिपीट कर देनी है, फिर अगली लाइन दूजे के होठों को देकर अपने गीत, देखिएगा। कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल, इसके बाद फिर से लाइन स्टार्ट हो जाएगी। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, दो बार इसको भी प्ले करना है। फिर लास्ट में लल 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 ला, दो बार प्ले करना है। ये नई लाइन है, इसको देखिएगा। वही प्रिय मित्रों, इतना था प्रीलियोड और स्थाई। तो चलिए फर्स्ट इंटरल्यूड और अंतरा की बोल को सीखते हैं। फर्स्ट इंटरल्यूड में सबसे पहले स्ट्रिंग का म्यूजिक पार्ट है, देखिएगा कैसे प्ले करना है आपको। स्ट्रिंग का पहला पार्ट देखिएगा, दूसरा पार्ट, इसके बाद कोरस का म्यूजिक पार्ट है, मैं आपको फ्लूट पे बताए दे रहा हूं। फिर से स्ट्रिंग का पार्ट आ जाता है, देखिएगा स्ट्रिंग का पहला म्यूजिक पार्ट देखिए, लंबा है, दो पार्ट में सीखिए। इसके बाद दूसरा पार्ट देखिएगा, कैसे फिर अगला पार्ट, कैसे फिर इसके बाद लल 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 ला, फिर से स्ट्रिंग, वन फिंगर, इसके बाद गिटार का म्यूजिक पार्ट आ जाएगा प्रील्यूड वाला। तो मित्रों इतना था फर्स्ट इंटरल्यूड, तो चलिए अंतरा के बोल को सीखते हैं। लाइन है, अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी पिछड़ा यार मिलाए, देखिएगा। फिर से यही लाइन रिपीट होती है, मिलाए में थोड़ा सा चेंजिंग आएगी, देखिएगा। फिर अगली लाइन, ये बिरहा ये दूरी, दो पल की मजबूरी, फिर
फिर कोई दिलवाला काहे को घबराए। देखिएगा, फिर अगली लाइन, तरंपम धारा जो बहती है मिलके रहती है। बहती धारा बन जा फिर दुनिया से डोल। इसके बाद स्थाई वाली लाइन आपको प्ले करनी है, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, लल 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 लल्ला। यहां पर स्ट्रिंग का म्यूजिक पार्ट आ जाता है, देखिएगा कैसे प्ले करना है। देखिएगा, स्लोली। इसके बाद फिर सी शार्प से रिवर्स रन आया है मिडिल ऑक्टेव के एफ शार्प तक। फिर से एक बार देखिए टाइमिंग में, फिर से एक बार देखिए टाइमिंग में। इसके बाद फिर से लल 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 ला। इसके बाद स्ट्रिंग, इसके बाद स्ट्रिंग, सात बार प्ले करना है। इसके बाद एक बार और लल 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 लल्ला। तो मित्रों इतना था फर्स्ट इंटरल्यूड और अंतरा के बोल। तो चलिए सेकेंड इंटरल्यूड और अंतरा के बोल को सीखते हैं। सेकेंड इंटरल्यूड में स्ट्रिंग का म्यूजिक पार्ट काफी लंबा है, 82 नोट प्ले हुए हैं। तो पार्ट बाय पार्ट सीखिएगा। पहला पार्ट देखिएगा कैसे प्ले करना है। में देखिए, वन फिंगर से, फिर इसका अगला पार्ट देखिएगा कैसे प्ले करना है। टाइमिंग में देखिए पहले, टाइमिंग में देखिए, सॉरी, वन फिंगर से, इसके बाद फिर इसका नेक्स्ट पार्ट, टाइमिंग में, फिर इसका अगला पार्ट, स्लोली पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, फिर इसके बाद मित्रों फ्लूट का म्यूजिक पार्ट है। देखिएगा पहले टाइमिंग में, फिर स्लोली, दो
बार प्ले करना है, स्लोली देखिए। इसी पार्ट को रिपीट कर देना है। इसके बाद लल्लल लल्लल लल्ला, इसके बाद स्ट्रिंग का म्यूजिक पार्ट, स्ट्रिंग का रन गया है मिडिल ऑक्टेव के एफ शार्प से और हायर ऑक्टेव के जी शार्प नोट तक। देखिएगा मैं टाइमिंग में प्ले कर रहा हूं। इसके बाद गिटार का म्यूजिक पार्ट आ जाएगा, वही प्रील्यूड वाला। तो मित्रों इतना था सेकेंड इंटरल्यूड। तो चलिए अंतरा के बोल को सीखते हैं। लाइन है, पर्दे के पीछे बैठी श्यामल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। फिर से यही लाइन रिपीट होगी, लास्ट में थोड़ा चेंजिंग है। फिर अगली लाइन, ये डोरी ना टूटे, ये बंधन ना टूटे। अगली लाइन, बोर होने वाली है अब रहना है थोड़ी। अगली लाइन, तरंपम सर को झुकाए तू, बैठा क्या है यार। गोरी से नैना जोड़े फिर दुनिया से डोल। इसके बाद स्थाई वाली लाइन आपको प्ले करनी है, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, दूजे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, लल्लल लल्लल लल्ला। वही स्ट्रिंग का फिलर, ये पार्ट मैं अभी बता चुका हूं, टाइमिंग में ही बताया है, स्लो देखिए। रिवर्स रन, फिर से लल 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 ला। फिर स्ट्रिंग 7 बार, टाइमिंग, इतना पार्ट मित्रों 2 बार आपको रिपीट करना है, जितना अभी मैंने आपको सिखाया है। लल 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 ला स्ट्रिंग का म्यूजिक पार्ट, फिर लल 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 ला, फिर स्ट्रिंग 7 बार, इसको आपको रिपीट कर देना है और फिर लास्ट में लल 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 ला।
तो मित्रों इतना था ये सॉन्ग, आशा करता हूँ ट्यूटोरियल वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों इस सॉन्ग का किसी भाई को वेस्टर्न नोटेशन चाहिए हो तो 150 रुपये पे करके नोटेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।